तो फिर से हम लोग वही बनाएंगे, बट इसमें डिफरेंट क्या रहेगा कि किसी और डेटा से मतलब करेंगे। अभी दिखाते हैं, जो समझो ना कल का होमवर्क जो था वही, या कल का क्लास वर्क जो था। बैग चलो, बैग चलो। पहले कैटलॉग में डिफॉल्ट कर लेते हैं, कैटलॉग इसको रिफ्रेश कर देते एक बार। टेस्ट 42 न्यू फाइल जो डेटाबेस बिग डिफॉल्ट। चलो डेटा ऐड करते हैं। नेक्स्ट अप टेस्ट 42 यस प्रैक्टिकल स्पेशल इंग्लिश नेबरहुड नहीं ओवरले ऑपरेशन। उसके बाद लैंड कवर, और लाइन कवर नहीं चाहिए था तब तेरे का रिमूव। वार बाउंड्री चाहिए था एट। तो इसमें से निकालेंगे, पर इसमें एक चीज और क्या रहेगा कि एट्रीब्यूट में बहुत सारा चीज है ना। ओके, इसमें तो है ही नहीं। क्लिप करके करें क्या? रुको, लाइट कवर ऐसे करते हैं ना। वार्ड बाउंड्री में एक बार दिखाते हैं। वार्ड बाउंड्री में ये वार्ड नंबर है, ठीक है। कोई एक वार्ड का डेटा निकालेंगे और उसके अंदर का लैंड कवर फीचर भी निकालेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए वो लैंड कवर में से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लिप करना पड़ेगा वार्ड को मास्क करके। तो वेरी जावर सर्च 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 इसमें सर्च करेंगे क्लिप क्लिप एनालिसिस। इनपुट में रखेंगे लैंड कवर को एंड 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 क्लिप करेंगे वार्ड बाउंड्री को, और ये तो टेस्ट 42 में सेव हो ही रहा था। देखो ना यहाँ पे है टेस्ट 42। उप्स, हम लोग तो कोई सेलेक्ट ही नहीं किया ना अभी तक। वार्ड बाउंड्री में से कोई एक सेलेक्ट तो करना चाहिए था। वार्ड 10 को सेलेक्ट करते हैं। ओके, फिर से क्लिप में जाते हैं। लैंड कवर, वार्ड बाउंड्री, उसके बाद इसका लिखेंगे वार्ड नंबर 10। क्लिप हमारा हो रहा है। अच्छा अच्छा ओके, नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर से करेंगे। एंड कवर वार्ड बाउंड्री क्लिप क्लिप। उप्स, क्यों नहीं हुआ, क्या दिक्कत है? ओके, फिर से क्लिप करके देखते हैं। लैंड कवर, वार्ड बाउंड्री, और ये जैसे का तैसे छोड़ देते हैं। ओके हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कभी कभी रिनेम उनेम करने से कुछ गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग
रिनेम कर देते हैं अब जाके। ओके ऑफ करके शायद रिनेम करना पड़ेगा, हो तो गया। चलो वार्ड नंबर 10, वार्ड दस। ठीक है इतना आ गया हमारा वार्ड नंबर। तो प्रीवियस वीडियो में जो किए थे सेम वही करने वाले हैं। ठीक है तो सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, बैक 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 टेस्ट 42 स्टडी एरिया स्टडी एरिया स्टडी एरिया नेपाल और नेपाल लोकल यूनिट्स ऐड। हाँ ट्रांसफॉर्मेशन का टेंशन ना लेना, पर मन ठीक भी कर सकते हो बट क्या हो रहा है यार। ठीक है अब नेपाल को नीचे रखेंगे, वार्ड बाउंड्री का काम नहीं है निकाल देते हैं, लैंड कवर का भी काम नहीं निकाल देते हैं, वार्ड नंबर 10 को। ठीक है तो अब वार्ड नंबर 10 में से, खैर ये भरतपुर का मैप था तो वार्ड नंबर 10 में से हम पहले निकालेंगे ओपन एट्रीब्यूट सेलेक्ट बाय एट्रीब्यूट्स, इसको करेंगे प्रोविंस इज इक्वल टू आगमती अप्लाई क्लोज डेटा एक्सपोर्ट डेटा जहाँ का था जो नाम वाम लिखना है लिख सकते हो, यहाँ चेंज ही कर देते हैं ना। Yes. तो बागमती हो गया, बागमती में से निकालेंगे हम लोग, इसको ऑफ करो इसको ऑफ करो ऑफ करो ओपन एट्रीब्यूट सेलेक्ट बाय एट्रीब्यूट्स डिस्ट्रिक्ट चितवन डबल क्लिक करने से हो जाता है। ठीक है तो डेटा एक्सपोर्ट डेटा चितवन यस चितवन से निकालते हैं हम लोग भरतपुर is equal to return value close export data Bharatpur okay yes आगे Bharatpur अब इसके अंदर में ये वार्ड नंबर 10 नेपाल लोकल यूनिट की कोई जरूरत नहीं आप निकाल सकते इसको बाग भगवंती चितवन सब। अब क्या करेंगे डेटा फ्रेम क्योंकि स्टडी एरिया मैप बना रहे हैं तो नेपाल तो अब हट जाएगा। ओके भगवंती नहीं वार्ड नंबर 10 से करते हैं वार्ड नंबर 10 गलत। अरे यार ठीक है यार बस दिखाने के लिए बना रहे हैं क्या, डोंट वार मी अगेन कर सकते चितवन इंसर्ट डेटा फ्रेम वार्ड नंबर 10 इसे इंसर्ट डेटा फ्रेम को इंसर्ट करें वार्ड नंबर 10। ठीक है हो गया अब उप्स सभी लेयर ऑफ यार तब तेरे ऑन करके रखना चाहिए था, कितना टिक लगाए
चितवन और वार्ड नंबर 10 सेम ही है यार, कलर भी मिला लेना चाहिए था मैं। चितवन का येलो करते हैं, सब ठीक है। कलर कलर गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ ही हो जाएगा, तो ठीक हमारे हिसाब से तो ठीक ही होना चाहिए। चितवन येलो 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 ठीक। तो व्यू लेआउट व्यू, तो ये कौन सा मैं पहले देख लेते हैं। पेज एंड प्रिंट सेटअप ए थ्री है, परफेक्ट लैंडस्केप, ओके परफेक्ट। इसको निकालो बाहर, इसको निकालो बाहर, इसको निकालो बाहर, इसको करो छोटा। जो सबसे बड़ा है यानी नेपाल, उसको सबसे छोटा छोटा, उसके बाद कौन आएगा। क्या इसका फुल एक्सटेंड कर लेते हैं, सबका फुल एक्सटेंड कर देते हैं। ये हुआ मधेश, मध्य प्रदेश। उसके बाद ये हुआ के, ये कौन सा डेटा है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है। ये होगा चितवन, ये होगा भरतपुर। थोड़ा तो देखते हैं इसको, एक सेकेंड। ओके ठीक है, इसको ऑफ कर दिया यार, ऑफ नहीं मतलब ये अनसेलेक्ट करना है इसको। कहाँ गया हमारा अनसेलेक्ट, अनसेलेक्ट हो गया। तो फुल एक्सटेंड, फुल एक्सटेंड, अब लेजेंड ऐड करना। लेजेंड ऐड करने के लिए जो सबसे शुरू वाला था ना, ये तो, ये तो नेपाल का है, तो इसमें क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, आगे। इसको अगर सब क्लासिफाई करना हो जो वार्ड नंबर 10 को, तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज, डिस्प्ले, डिस्प्ले में जाएंगे, इसको करेंगे क्लास 1। क्या करें, सिंबोलॉजी में जाएंगे, सिंबोलॉजी, सिंबोलॉजी यार, कैटेगरीज एरिया है ना, क्लास 1 करेंगे इसको। एड वैल्यूज, एड ऑल वैल्यूज, इसको ऑफ करेंगे, अप्लाई, ओके आया ना। इसको यहाँ पे ऐड करते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद लेजेंड ऐड करेंगे, लेजेंड, नेक्स्ट, नेक्स्ट, आगे। ओके ये तो थोड़ा बड़ा हुआ, तो इसको ऐसे करेंगे, इंसर्ट लेजेंड, इसको दो में डिवाइड कर देते हैं, दो, नेक्स्ट,
ठीक है ना, ये लेजेंड वार्ड नंबर क्लास, लेजेंड वार्ड नंबर 10, ये सब आ गया ना। इसको हटाने के लिए प्रॉपर्टीज, ये आइटम्स स्टाइल, इसको कोई और हेडिंग देते हैं, अप्लाई, फिर भी क्लास वन है ही, तो हमें नहीं मालूम, हम बस कर रहे हैं क्लास वन। हट जाने यार, एक बार इसका चेक करते हैं प्रॉपर्टीज। सभी रिमूव तो नहीं कर सकते, इसी में से कोई एक स्टाइल चूज करते तो हो जाता। ये तो वार्ड नंबर भी आ गया, छोड़ो हटाओ, वार्ड नंबर 10 रहने दो, मतलब हटा सकते हो बट अभी नहीं समझ में आ रहा। तो ऐसा हो गया, उसके बाद स्केल वगैरह ऐड करना हो तो इसमें जाकर स्केल बार, खैर बाकी सब हम पुराने वीडियो में बता ही दिए, तो उस हिसाब से कर लेना। स्केल बार ऐड करना रहता है, माइल्स को किलोमीटर में कर देते हैं, इसको ये हाथ 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 ऐसे करके कर सकते हैं। और जो जो चीज़ ऐड करना है, इंसर्ट, स्केल टेक्स्ट, स्केल बार हो गया, उसके बाद यहाँ पे जाकर ड्रॉ करके, ड्रॉ आ ही गया, ड्रॉ 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 का यही है ना, तो ये लेंगे कर और दिखाएंगे। प्रॉपर्टीज इन सिंबल स्टार्ट, तो मतलब इससे ये होगा कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे करके एरो भी बना सकते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम रखना है तो रख सकते हैं, ऐसे करके लगभग लगभग सब कर ही सकते हैं। तो हाँ बस इतना ही, बाकी एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए फाइल एक्सपोर्ट में आप यहाँ पे जाकर लोकेशन दिखाकर ये रिजर्वेशन वगैरह रखकर सेव कर देंगे, सेव एज टाइप में जो मन है वो करो। तो हाँ हो गया।